और ये रिसर्च कहती है कि 60 डेज अगर आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ते हो तो आपकी मसल स्ट्रेंथ लूज करने लगती है रैपिडली और एक तरीके से यही हाल माइंड का है माइंड को भी आप एक मसल के तौर पे ही इमेजिन करो उसको भी अगर आप काम देके और उसको बार बार आप चैलेंज नहीं दोगे तो वो भी अपनी पावर लूज करने लगती है हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया लाइव इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बेहद इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद है ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे कोचिंग लेते हैं कमांडो माइंडसेट डेवलप करने के लिए लोगों को इंस्पायर करते हैं और आज लाखों लोग इन्हें सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं इनके फिटनेस वीडियोज देख रहे हैं फिफ्टी की एज पे बेहद फिट मेंटली और फिजिकली प्लीज वेलकम अरुण सांगवान जी थैंक यू सर सो so, अरुण जी ये कब ये पैशन जागा? और आप एक ऐसे पाथ पे हैं जो कि सब लोग नहीं चल पाते कि वो फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस हाउ इट स्टार्टेड देखो पैशन के तौर पे ये बचपन से साथ में था ओके okay. तो शुरू से फुटबॉल से शुरुआत हुई रनिंग करी आमी बैकग्राउंड से हूं क्या <laughs> बात तो वो हमेशा से मेरे साथ में रहा है कॉलेज में कंटिन्यू किया यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू किया और अपने लंबे करियर के थ्रू कंटिन्यू किया इसके अंदर जो मुझे लगता है कि जब मैं ये कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मिलियंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो बहुत बेकार में डिस्करेज महसूस हो रहे हैं सोसाइटी में स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है राइट right. तो जो मैं करता हूं वो उनको साथ शेयर करा जाए okay. तो बेसिक आइडिया कमांडो माइंड स्टार्ट करने के पीछे वही था सो कमांडो माइंडसेट आखिर है क्या किन चीजों से कमांडो माइंडसेट बनता है मैं इसको सबसे आसान तरीके से आपको ऐसे समझा सकता हूँ कमांडो माइंडसेट तीन चीजों से बना है ओके साइकोलॉजिकल रेजिलियंस रेजिलियंस का मतलब मैं बताता हूँ दूसरा है इमोशनल रेजिलियंस और तीसरा है फिजिकल ओके साइकोलॉजिकल इमोशनल एंड एंड फिजिकल रेजिलियंस रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम से चैलेंज से जब आप डाउन फील कर रहे हो तो बाउंस बैक जैसे अगर मैं बॉल को नीचे फेंक रहा हूं तो बॉल बाउंस बैक करती है तो हम कितना जल्दी उस सिचुएशन में से बाउंस बैक करते हैं तो जैसे कोई रिलेशनशिप का टूटना किसी mm -hmm. की डेथ हो जाना right. तो ऐसी कितनी सारी सिचुएशंस है आपका कोई एग्जाम ना क्लियर हो पाना इट right. और उसके बाद प्लान भी ना होना के ये सो रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट कमांडो दैट वर्ड बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड है दैट मींस कमांडो मींस एडवर्सिटी गेट इट डन नो कॉम्प्रोमाइज जो अचीव करना है वो हम अचीव करेंगे लिमिटेशंस नहीं है लवली ओके सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय कमांडो माइंडसेट. सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन इन फैक्ट मेनी टाइम्स वी टॉक अबाउट रेजिलियंस एबिलिटी टू हैंडल द सेटबैक एंड कम आउट ऑफ इट मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ इस पर भी याद आ रहा है तो आपके साथ शेयर करता हूँ कि सपोज uh, हम एक ऑल्टो uh, कार में जा रहे हैं और सामने स्पीड ब्रेकर है और अपने यहाँ तो स्पीड ब्रेकर ऐसे होते हैं कि जैसे पहाड़ी बना दी ऐसे स्पीड ब्रेकरस होते हैं तो अगर ऑल्टो का ड्राइवर अगर एक सिक्सटी की स्पीड पर चल रहा है और वो स्पीड ब्रेकर आया तो ड्राइवर भी ऊपर उठ जाएगा गाड़ी भी ऊपर उठ जाएगी और बड़ा डैमेज होगा उस पर लेकिन यही अगर आप रोल्स रॉयस लेकर के चल रहे हैं तो उसी स्पीड ब्रेकर पर से रोल्स रॉयस निकल जाएगी और पेट का पानी भी नहीं हिलेगा किसी का दोनों में डिफरेंस कहाँ है वो जो शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है रोल्स रॉयस का जो शॉक एब्जोर्बन है वो बहुत अलग लेवल का है एज़ कंपेयर टू ऑल्टो का तो आई थिंक हमें अगर वो रोल्स रॉयस वाला रेजिलियंस अपने अंदर रखें दैट इवन इफ द सेटबैक इज देयर एंड वी कैन जस्ट कम आउट ऑफ इट एफर्टलेसली और ग्रेसफुली आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटिफुल सो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकलट इमोशनल एंड Physical Physical. जब तक ये नहीं आएंगी एक साथ, yes. तो so का बनना थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल हो जाएगा। हम अभी बात कर रहे थे तो आपने एक डी जी आर ट्रेनिंग की बात की थी अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा उसके बारे में आप बता सकें तो देखो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों ब्रांचेस आर्म फोर्सेस की जब ये लोग रिटायर होने लगते हैं

तो रीसेटलमेंट के लिए वो करता है. ब्यूटिफुल so, uh, आपका क्या टेक है स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड सो वॉट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन सक्सेस एंड वॉट इज योर लीडरशिप तो पहले हम थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में समझ लेते हैं श्योर sure. एक होता है किसी भी चीज को मैनेज करना यानी वो चीज सेट है उसका रूटीन सेट है प्रॉब्लम भी डिफाइंड है बस एक डिसिप्लिन तरीके से काम करते जाना है और आप जहां से स्टार्ट हुए जहां पे एंड हो गई वो सब डिफाइंड है इसको कहते हैं मैनेजमेंट रूटीन काम एक तरीके से लेकिन वो डिसिप्लिन चाहिए वहां पे लीडरशिप तब आती है जब कोई चेंज होता है या तो वो चेंज जरूरी है आपके लिए या फिर वो चेंज आपके ऊपर फोर्स किया गया है राइट right. आपका बस नहीं चल रहा लेकिन अब चेंज करना पड़ेगा लीडरशिप आती है चेंज एक तरीके से आप उसको ये कहिए कि चेंज के साथ अपने आप को सही डायरेक्शन में अलाइन कर लेना ताकि ना आप पिछड़ो और ना ही आप घायल हो जाओ तो चेंज को मैनेज करना और चेंज से फायदा उठाना तो जैसे आपने इसमें चेंज की बात की तो चेंज डू यू मीन चेंज का मतलब यहां पे एडवर्सिटी भी हो सकता है कि व्हेन समथिंग सम एडवर्स सिचुएशन कमिंग बैक इन दैट मोमेंट हाउ यू रिस्पॉन्ड कैन एब्सोल्युटली ओके इट कुड बी ड्रेवन बाय एडवर्सिटी ओके वो आपकी मजबूरी हो सकता है चेंज करना okay. लेकिन जहां बहुत सारे लोग थक हार के हार मान लेंगे वहां पे आप सही डायरेक्शन की तरफ निकलना अब समझने की बात यह है जो आपने कहा कि लीडरशिप क्या डेवलप करी जा सकती है या बॉर्न लीडर होता है तो मैं इसके बारे में बहुत सिंपल कहता हूं यह कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे लीडरशिप है कम्युनिकेशन को भी अगर मैं ऐड करूं यह कोई लाइट की तरह स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं कर सकते आप कि मुझे अब लीडर की तरह एक्ट करना है लाइट ऑन अब मुझे लीडर की तरह एक्ट नहीं करना लाइट ऑफ ऐसे यह काम नहीं बनेगा तो आपने छोटा सा चैलेंज लिया सक्सेसफुली हैंडल किया अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया असल में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इससे बड़े को हैंडल कर सकता हूं तो यह सीरीज जब होती चली जाएगी और आपके चैलेंजेस जब बड़े से बड़े होते चले जाएंगे वहां पे आपकी लीडरशिप डेवलप होती है ओके सो लीडरशिप मीन कि आपको पॉलिटिकल लीडर बनना है लीडरशिप इन एवरीडे लाइफ मैं इसकी बात करता हूँ लीडरशिप इन एवरीडे लाइफ ओके कि आपकी तरफ अगर कोई देख रहा है और बहुत सारे लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं बिना हमें पता लगे हुए तो क्या वो आपको देख के इंस्पायर हो सकते हैं बोल के मोटिवेट करना अलग बात है लेकिन आपको देख के अगर कोई इंस्पायर हो रहा है कि क्या मैं भी इस बात पे चल सकता हूँ अगर ये कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूं तो उस वहां पे हम कहते हैं लीडिंग बाय एग्जांपल। ट्रू सो दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ लीडरशिप सो so, मैंने देखा आप कई बार कॉन्फिडेंस की बात करते हैं स्पेशली जब टफ टाइम आते हैं कोई एडवर्सिटी आती है तो बहुत से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है सो इन टफ टाइम हाउ टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस क्या ऐसा कुछ आ, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या प्रैक्टिस हैं जो इंसान कर सकता है सो दैट दे कैन मेंटेन देयर कॉन्फिडेंस इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स अब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं इमोशंस तो आएंगे ही सही बात है ठीक है लेकिन आप उस इमोशनल स्टेट के अंदर एक डिस्टर्ब स्टेट के अंदर आप कितने दिन एग्जिस्ट करते हैं <laughs> वो एक पैरामीटर है और कितना जल्दी उससे आगे निकल जाते हैं राइट right. देखो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है किसी इंसान को टर्मिनल इलनेस हो गई किसी की डेथ हो गई या कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता रिलेशनशिप ब्रेक कर रहा है हो सकता भी हर चीज आपके हाथ में ना हो हालांकि इन चीजों के सिग्नल्स तीन से छह महीने एक साल पहले से आ रहे होते हैं हम इग्नोर करते हैं करेक्ट तो मैं यह बोलूंगा कि किसी भी सिचुएशन में एक बहुत इमोशनली डिसंटेड रहना कंफ्यूजन की स्टेट में रहना गिल्ट महसूस करते रहना इससे निकलना बहुत जरूरी है अब ये किस तरीके से करा जा सकता है लोगों के इन चीजों को हैंडल करने के तरीके अलग अलग हैं कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू मेडिटेशन की प्रैक्टिस के थ्रू करना जानते हैं इन चीजों को सर yes, लेकिन आप सोचो कि अचानक कोई घटना हो गई अब मैं मेडिटेशन सीखूंगा वो कभी पॉसिबल नहीं है राइट right. वही लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात है सो दैट मींस अगर आप पहले से मेडिटेशन करते आ रहे हैं पर्सनली मैं मेडिटेट नहीं करता हूं ओके <laughs> <okay? laughs> लेकिन जब मैं अपने किसी भी स्पोर्ट में या ट्रेकिंग में और डे टू डे के वर्कआउट्स में इन्वॉल्व होता हूँ, हो, वो भी मेरे लिए मेडिटेशन है ट्रू। मेरी क्लास में जब मैं घुसता हूं तो घुसते टाइम जो मेंटल स्टेट है और निकलते समय जो मेंटल स्टेट है उसमें भी फर्क आता है जब आप किसी भी चीज में हंड्रेड परसेंट इंटेलेक्चुअली यानी ब्रेन के हिसाब से और कहने की बात है हंड्रेड परसेंट बट नियर टू दैट लेवल और इमोशनली जब उसमें हंड्रेड परसेंट इन्वॉल्व है तो वो एक ऐसा मेडिटेटिव स्टेट आता है भले ही आप खेल रहे हो या आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बना रहा हो तो वही चीजें हैं जो आपको लाइफ की एडवर्सिटी से निकलने में हेल्प करेंगी हाँ, हाँ तो हर एक इंसान का एक पैशन होना बहुत जरूरी है जैसे कुछ लोग हैं उनको बड़ा कम उम्र में ही पता चल जाता है कि ये मेरा पैशन है बट देर आर मैनी पीपल जो बहुत समय लग जाता है उनको ये आइडेंटिफाई करने में वी हैव सीन पीपल जो 62 की एज में बिजनेस में आ रहे हैं कई ऐसे बोमन ईरानी फोर्टी की एज में एक्टिंग चालू कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं उन्हें बड़ा लेट पता चलता है कि ये चीज़ मेरी पर्टिकुलर पैशन uh, है तो डू यू हैव एनी थिंग कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर पैशन या एक तरीका, से आएगा एक तरीका जो मुझे ख्याल में आता है जो मैंने कई लोगों के ऊपर जैसे ट्राई भी किया उनसे पूछ के जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो स्कूल में एक बुके ऑफ एक्टिविटीज हमारे इसको दिया जाता है ड्राइंग पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिंगिंग डांसिंग इंस्ट्रूमेंटल वोकल एनसीसी परेड्स स्कूल के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं आपकी अकेडमिक्स के अलावा राइट right. तो एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप वापस अपने स्कूल के दिनों को सोचो कौन सी एक्टिविटीज में आपको बहुत अच्छा लगता था अगर आपको कोई एक्टिविटी वहां से महसूस होती है जहां पे आपने थोड़ा आपको लगा था कि बिना किसी के कहे आप खुद इनिशिएटिव लेके उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते थे तो हो सकता है वो थिएटर हो हो सकता है वो आर्ट हो, हो सकता है आप कभी शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो तो वो एक बड़ा अच्छा हिंट है आपके लिए और एक तरीका एक तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम ये देखें आपको किस एक्टिविटी में समय बिताना पसंद है राइट ठीक है उस एक्टिविटी को फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूं जैसे मैंने कमांडो माइंडसेट Instagram इंस्टाग्राम चालू किया किसी को अपना इंस्टाग्राम बनाना है hey. से. Uh. और आइडियाज की तलाश है. तो अगर वो इंसान बहुत ही ध्यान से मूवीज देख रहा है तो इंस्टाग्राम पे वो एक मूवी रिव्यूअर बन सकता है अगर सभी की तरह देख रहे हो तो फिर आपके अंदर कुछ भी ऐसी स्पेशल एबिलिटी नहीं है राइट right. लेकिन आप एक बहुत ही क्रिटिकल नजरों से अगर एक मूवी को भी देख रहे हो या नेटफ्लिक्स की सीरीज को देख रहे हो आप रिव्यू के बेसिस के ऊपर अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट कर सकते हो येस yes, करते भी हैं लोग देर आर पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट यस तो कहा आप समय बिताना पसंद करते हो और वहां से भी कुछ निकाला जा सकता है लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं है जो आप टाइम वेस्ट मान सकें लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकालने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए सो so, अभी कमांडो माइंडसेट का आपने फिर से जिक्र किया कि तीन एलिमेंट हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है सो हाउ टू डेवलप दैट अगर आप कुछ टिप्स दे सकें कि वॉट द पर्सन कैन डू फॉर द मेंटल पार्ट फॉर द इमोशनल पार्ट फॉर द फिजिकल पार्ट वट कैन बी डन टू डेवलप दिस कमांडो माइंड आप एक सच में कागज उठाइए <laughs> और सात आठ चीजें उस पर लिखिए Okay. आप क्या नहीं कर सकते ठीक है डे टू डे लाइफ के अंदर क्या नहीं कर सकते और एक तरीके से आपकी किसी भी चीज को करने की अपर लिमिट क्या है क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं बेसिक आइडिया क्या है आप किसी भी एक्टिविटी जो आप करते हो उस एक्टिविटी के साथ एक छोटी सी छेड़खानी ये कर रहे हो कि समय रिड्यूस कर रहे हो या एक्टिविटी बढ़ा रहे हो उसी समय के अंदर नहीं. ये अगर आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर स्टार्ट कर दोगे तो जो लिमिट आपने आज तक डिफाइन कर रखी है मैं आपको अश्योर करता हूं आपकी बॉडी आपकी इमेजिनेशन से हंड्रेड टाइम्स ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी दे सकती है ज्यादा लोड हैंडल कर सकती है और आपके माइंड की कैपेसिटी तो शायद टू हंड्रेड टाइम्स है तो एक्टिविटीज को उठाओ डिफाइन करो समय दो रूटीन एक्टिविटीज को एक समय दो समय रिड्यूस कर दो वो एक तरीके से मैं ये कहता हूं इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड है गेमीफिकेशन ओके okay. गेमीफिकेशन मींस किसी भी एक्टिविटी को गेम में बदल दो यस yes. आपको घर साफ करना है पूरा घर बहुत आपको लग रहा है कि मुसीबत हो गई है टेस्ट yes. आने वाले हैं तो अगर नॉर्मली आपको तीन घंटे लगते हैं तो अब एक घंटे का टाइम सेट करके उस एक्टिविटी में जुट जाओ आप लिटरली एक साइड से दूसरी साइड भागोगे True. आप उस स्पीड पे काम करोगे जो कि हम कहते हैं नेक स्पीड और राइट करके तो देखिए मैं तो हर एक इंसान को कहता हूं तुम करके तो देखो यार वो गेम बन जाएगा आपका एक्टिविटी से ध्यान हटना शुरू होगा टाइम प्रेशर आपको अलग तरीके से अफेक्ट करने लगेगा फॉर एग्जाम्पल कोई कहानी की किताब है कोई नॉवल है आमतौर पर हो सकता है लोग तीन महीने में पढ़े hey. आप उसको एक हफ्ते में पढ़ने का टारगेट ले लीजिए कंसंट्रेशन ही बढ़ाना है फोकस बढ़ाना है करा जा सकता है आपको वर्ड सीखने हैं किसी भी लैंग्वेज के इंग्लिश है स्पेनिश है कोई भी लैंग्वेज है जो आपकी पसंद की है तो हम लोग जब भी किसी चीज की तरफ सीखने के लिए देखते हैं तो हम फाइव ईयर प्लान बनाते हैं ठीक है हर चीज का फाइव ईयर प्लान बनाना छोड़ दीजिए आज और कल में क्या अचीव हो सकता है सीधा उस पे फोकस करिए इससे लंबा प्लान बनाएंगे तो आप प्लानिंग में ज्यादा टाइम खर्च करेंगे मुझे प्लानिंग नहीं मुझे एक्शन देखना है एक बात कहते हैं कि आपके साथ जो सबसे बुरी चीज होती है जीवन में वो ये होती है कि जब आप अपनी नजर में गिरने लगते हैं और सबसे बढ़िया चीज वो होती है जब आप अपनी नजर में उठने लगते हैं वेरी वेल सेट तो आई थिंक ये जो जो भी हम अपने आप को Uh, कुछ ऐसा काम करवाते हैं जो कि हमें लगता था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है या इम्पॉसिबल सा है लेकिन फिर जब एक बार उसे कर लेते हैं फिर जो अंदर वो विश्वास की भावना जो पैदा होती है कि मतलब अपने अंदर ही कुछ चीज़ होती है जो खुद पे भरोसा करने लग जाती है ख़ुद पे विश्वास करने लग जाती है राइट सो so, एक अपनी नज़र में एक जो उदा है वो खुद का उदा बढ़ने लग जाता है जबकि इसका विपरीत ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं कि अपने आप को बोला कि मुझे फिट होना है जिम भी ज्वाइन कर गया लेकिन गए नहीं किताब खरीद के ले आई कि मुझे पढ़नी है लेकिन फिर पढ़ी नहीं पचासों प्रोमिस अपने आप से करते हैं कि मुझे ये करना है और आई थिंक थर्टी फर्स्ट जनवरी थर्टी फर्स्ट दिसंबर की रात को तो न जाने कितने वादे दावे होते हैं सो so, जितनी बार वो प्रोमिस करते हैं और उन प्रोमिस को तोड़ते हैं उतनी बार उन्हीं के अंदर कुछ है जो गिल्ट पैदा करता है और गिल्ट कहीं ना कहीं आपको अपनी नजर में गिराने लगती है थोड़े समय बाद वेरी वेल यस 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 वंडरफुल यही एक्चुअल में yes. होता है yes. और थोड़े समय बाद तो फिर वो इंसान गोल लेना भी छोड़ देता है उसे लगता है कि मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स में देखता हूँ कोई सवाल पूछते हैं कि अब तो हम गोल भी नहीं लेते क्योंकि पता है कि करेंगे तो है नहीं तो खुद से वो भरोसा ही अगर निकल गया है तो आई थिंक अब वो कहाँ से रिसोर्स कहाँ से लाए करने का और आई थिंक दैट इज़ वेयर देर इज़ ए नीड ऑफ़ कोचेज एंड मैंटर्स बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे आप अपने इतने सारे वीडियोज़ के जरिए या अपनी मैंटरिंग के जरिए वो एक आत्मविश्वास जो चला गया है उसको कहीं कही ना कहीं फिर से फ्यूल कर देते हैं तो इंसान का भरोसा जो खुद पर है वो फिर से बनने लग जाता है आपने बहुत सही कहा छोटा सा गोल रखा और अचीव नहीं किया जी आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने का बहुत अच्छा टूल है एंड मैंने अपनी एक रील में कहा है कि कॉन्फिडेंस को उड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है ठीक <laughs> है इसके अपोजिट आप छोटा सा टारगेट रखो मुझे टेन इंग्लिश के वर्ड्स सीखने हैं टेन स्पेनिश के वर्ड सीखने हैं और दस मिनट का मेरा टारगेट है बीस मिनट का टारगेट आप बस उसको अचीव कर दो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी बड़ी सक्सेस बनती जाएगी सो so, एक तो आपने कहा कि जो अपना चैलेंजेस है वो आप बढ़ाते रहते हैं जिससे कि वो जो इकोनॉमिक्स uh, में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है कि अगर एक ही काम अपन बार बार करते हैं तो बोरियत नेचुरल है राइट right? कि एक कर्व कहा जाता है आई थिंक साइकोलॉजी में एक कर्व पढ़ते हैं जिसमें uh, जब आपकी चैलेंज और आपके रिसोर्स के बीच में देर टू बी रिलेशनशिप तो अगर सपोज इफ यू हैव वेरी बिग रिसोर्स एंड योर चैलेंज इज स्मॉल दैट विल मेक यू बोर एब्सोलूटली फॉर एब्सोलूटली फॉर एग्जाम्पल इफ विश्वनाथन आनंद प्लेस चेस विद मी ही विल गेट बोर्ड बिकॉज चैलेंज बहुत छोटा है उसके सामने एंड हीज रिसोर्स इज वेरी बिग सो वो बोर्डम ही आना है उसे इसकी अपोजिट सिचुएशन है वन द चैलेंज इज टू हाई

35 किलो या 32 किलो वेट के साथ एक इंक्लाइन पे चढ़ रहा था और वो टाइम वगैरह नोट कर रहे थे सो आई थॉट कि एक्सपेरिमेंट मैं भी करके देख लेता हूं अच्छा तो मैंने जिस लिमिट तक ट्राई किया है जो कि अब बहुत ही समय से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ वो है साढ़े बाईस के के साथ ओके ओके सो अबाउट फोर्टी मिनट्स टू वन आवर विद ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव के ऑन योर ऑन माई शोल्डर्स तो वेट की बेल्ट आती है वेट की बेल्ट आती है उसके अंदर आप जितना मर्जी बढ़ाते हुए चले जाइए और जहां पे नहीं बढ़ता तो हाथ में डम्बे ले, ले लेते हैं ओके सो विध अबाउट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव क्या और करा जा सकता है डेफिनेटली करा जा सकता है बट आई एम एमिंग फॉर मिनिमम फोर्टी मिनट्स टू वन आवर आई फाउंड इट वेरी इफेक्टिव ठीक है फॉर दी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ मुझे बड़ा इफेक्टिव लगा अब अगर कोई मुझे आके बोले अरुण वॉक करने चल रहा है तो मैं बोर हो जाता हूं ठीक है डाल दीजिए, मैं चल आपके साथ।, साथ। तो 40 minutes कर देंगे। सो यू आर राइट छोटे चैलेंजेस ज्यादा काबिलियत वो आपको खुद ही गिरा देगा यस yes. और बहुत बड़ा चैलेंज बहुत छोटी काबिलियत वो आपको डरा देगी द राइट जोन इज वैन आपकी काबिलियत और आपका चैलेंज आपस में लड़ते रहे करेक्ट देर शुड बी फाइट जोन बिटवीन दम एक फाइट yes. जोन पे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देखो एक बहुत सिंपल चीज है अक्सर लोग इस बात का वेट करते हैं कि कोई ना कोई आके उनको किसी भी छोटी एक्टिविटी के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देगा आपको याद है बचपन के अंदर टीचर स्टार्स देती है yes, yes. बच्चे खुश होकर आते हैं अनफॉर्चुनेटली अडल्ट का भी यही हाल है उनको भी लगभग एक स्टार चाहिए अपने बॉस से तब उसको खुशी महसूस होती है स्टार चाहिए यानी रिकग्निशन दूसरों से चाहिए हा स्टार्टिंग के लिए ठीक है लेकिन जो अल्टीमेट रिकग्निशन है वो आप अपने आप को देते हो जहां पे खुद आप अपनी पीठ को थपथपाते हो और बोलो आज की डेट में इससे बेहतर मैं कर नहीं सकता था <laughs> लेकिन ये मेरी आउटर लिमिट नहीं है राइट right. करेक्ट तो अपने आप को अप्रिशिएट जिस दिन तुम करने लगोगे राइट ठीक है तो ये बात होगी लिमिट्स को ब्लास्ट करना रिमेन मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड अबाउट लाइफ आपकी लाइफ में तब तक एक्साइटमेंट रहेगी जब तक आप अपनी लिमिट को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते हुए चले जाओगे मैसेजिंग मिलती है जैसे लोग कहते हैं मैं थक गया या मैं थक गई आप ध्यान से अगर उसको देखोगे ये सिग्नल कहां से आता है ये बॉडी से सिग्नल आ रहा है कि माइंड से आ रहा है माइंड <laughs> को मैं कहता हूं मैंने एक रील में कहा था ये, ये एक शैतान फैक्ट्री है <laughs> ये जब बोर होती है तो आपको सिग्नल भेजती है कि मैं थक गया राइट right. हुआ क्या है बोर right. तो इस बात को मैं रिलेट करता हूं अब जब मैंने वॉकिंग स्टार्ट करी वेट के साथ और वो वेट मेरे बॉडी वेट का एक काफी अच्छा पार्ट है जी मेरे मुझे पता है जब तक इसको बिजी नहीं रखोगे बॉडी गिवअप मारती है ट्रू वैसे ही जब मैं ट्रेकिंग पे जाता हूं और अच्छे हार्ड ट्रैक्स हैं, वहां पर भी यही अप्लाई करता हूं फॉर एग्जाम्पल यूएस के फोर्टी सिक्स के नाम उसको चलने दो उसको रिवाइज करने दो आपका ध्यान उतना बाहर चला जाएगा कि आप कितनी देर वॉक किया आपको पता ही नहीं लगेगा राइट इट इज अ वे ऑफ चीटिंग योर माइंड इन वन सेंस keep it busy so beautiful in fact uh, i keep going to monasteries as well because i'm doing research wow. on mindfulness and i'm doing research with swiss university so many times we talk about uh, controlling mind is basically is controlling your awareness it's not about you have to control your mind you should be able to shift your awareness as you are actually doing it that uh, some pain

अब माइंड क्या करता है कि माइंड सेकेंडरी पेन क्रिएट करता है कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा मुझे क्यों ये दर्द होता है क्या इसी के साथ जीना पड़ेगा क्या ये कब ठीक होगा क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब क्या सही में मुझे करने की ज़रूरत है क्या यही ख्याल आते हैं सब राइट तो ये जो ख़्याल आए नाउ दीज आर सेकेंडरी पेन जिसे आप बड़ा सिंपल भाषा में आपने जैसे कहा कि वो शैतान आपको कुछ ना कुछ और परेशान करने का प्रयास कर रहा है तो अब ये सेकेंडरी पेन क्या कर रहे हैं दे आर एक्चुअली एम्पलीफाइंग द फिजिकल पेन दैट हैपनिंग एंड दैट इज वेयर द विल गो डाउन द पर्सन विल थिंक ऑफ गिविंग अप एंड ऑल दस थिंग्स देखो यहां पे मैं एक छोटी सी चीज क्लैरिफाई कर देता हूं क्योंकि वो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए अगर जेनुइन फिजिकल पेन है कोई भी एक्टिविटी करने में तो उसको नंबर वन कभी भी इग्नोर मत करो तो ये एक स्टेट्यूटरी वार्निंग है मेरी तरफ से ठीक है जैसे पीठ में है यहां नीज के अंदर है आपके एंकल में कहीं पर भी है एक तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप उसका होना चाहिए क्योंकि वो इंजरी बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए क्योंकि मैं सीरियस ट्रेकिंग भी करता हूं और सीरियस वर्कआउट्स करता हूं इसलिए ये मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियर है और बढ़िया लेकिन जिस पेन की मैं बात कर रहा था वो पेन ये है जहां पे आपके माइंड में स्ट्रगल क्रिएट होती है मैं ये क्यों कर रहा हूं मुझे इसी समय छोड़ देना चाहिए मुझे भी लगता है तो उसको थोड़ा काम दे देते हैं बाय शिफ्टिंग अवेयरनेस यू कैन डील विद द सेकेंडरी पेन दैट योर माइंड इज एक्चुअली क्रिएटिंग अबाउट द सिचुएशन अनदर बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज बॉडी को आपने एक्सरसाइज के थ्रू ठीक रखा और ये रिसर्च कहती है कि 60 डेज अगर आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ते हो तो आपकी मसल स्ट्रेंथ लूज करने लगती है रैपिडली और एक तरीके से यही हाल माइंड का है माइंड को भी आप एक मसल के तौर पे ही इमेजिन करो उसको भी अगर आप काम देके और उसको बार बार आप चैलेंज नहीं दोगे तो वो भी अपनी पावर लूज करने लगती है छोटे बच्चों से इंस्पिरेशन लो छोटे बच्चे आठ अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं कभी मैथ्स में कभी साइंस में कभी सोशल स्टडीज में कभी सिविक्स में कभी हिंदी संस्कृत इंग्लिश आप देखो उनकी वेराइटी ऑफ मेंटल एक्टिविटी देखो लेकिन जब आप एडल्ट्स को देखते हो तो वो केवल एक शायद घर के काम और एक ऑफिस के काम से पस्त हो जाते हैं राइट दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू राइट सो अनलेस यू आर लर्निंग न्यू योर डेवलपमेंट ऑफ माइंड इज ऑल्सो गोइंग ऑन नेगेटिव ट्रैक वो भी नेगेटिव ट्रैक पे जा रहे हैं sure. तो आप चैलेंजेस देते रहिए नया सीखते रहिए सो so आप किसी भी फील्ड में हैं मेरा ये कहना है एजुकेशन कंटिन्यूड रखिए चाहे आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करें बट एजुकेशन सीखने के लिए डिग्री के लिए नहीं डिग्री तो आएगी तो बेनिफिशियल रहेगी लेकिन लर्निंग लर्निंग कंटिन्यू कंटिन्यू है। उसका बेनिफिट सर्किट अवर ब्रेन इज रीशेपिंग डेज देर इज अ टॉपिक कॉल न्यूरो प्लास्टिसिटी दैट देर इज अच टू मच रिसर्च ऑन दिस ब्रेन इज न्यूरो प्लास्टिक एंड टिल वी डाई इट कैन कंटिन्यूसली रीशेप इट सेल्फ इवन जब हम इस कॉन्वर्सेशन में बैठे और अब जो हमारा ब्रेन है तो अगर ब्रेन स्कैन होता तो उस समय अलग ब्रेन था राइट नाउ डिफरेंट ब्रेन इज देयर इवन इफ यू हैव लर्न इवन अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम ईच अदर दैट न्यू न्यूरल सर्किट्स हैज़ बीन क्रिएटेड एंड दैट्स वाई वी गेट दैट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन जब भी हमें कोई कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाता है या फिर कोई नई चीज़ जब हम जान लेते हैं तो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड नाउ व्हाट इज दैट रिवॉर्ड फ्रॉम वेयर दैट रिवॉर्ड इज कमिंग फ्रॉम वेयर दैट डोपमिन एंड कमिंग दे आर कमिंग बिकॉज वी मेड अ न्यू सर्किट एंड अवर ब्रेन इज रिवॉर्डिंग अस इट इज अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म ऑफ अवर ब्रेन दैट एवरी टाइम यू लर्न ए न्यू स्किल इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू और हर एक्टिविटी हर एक्टिविटी को सम्मान देना शुरू करो खाना बनाते हो टेक प्राइड हाँ इस समय मैं खाना बना रहा हूं तो कंप्लेन कर बंदों रहे बंदों को भी बनाना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जी, ये ये, sex defined roles, ये अब नहीं चलेंगे ठीक है अगर आप खाना बना रहे हो और नहीं आता बनाना सीखो ओके okay. बेड बनाना छोटी छोटी चीजें ये आपको इतना प्लेजर देने वाली है जितना ही बड़ी चीज भी देती है तो दिन में अगर आपने पाँच सात बार अपने आप को थपथपा लिया आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। ब्यूटिफुल आई थिंक ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है जनरली लोग ग्रेट्यूड की बात करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि जो है उसके प्रति आप ग्रेटफुल रहिए पर ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है कि जो काम कर रहे हैं आप अपने एक्शंस के प्रति भी ग्रेटफुल रहिए क्योंकि जनरली लोग सुबह नौकरी जाने के लिए उठ रहे हैं जल्दी बट दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट दे आर कर्सिंग इट कि मुझे अब जाना पड़ेगा क्यों सुबह उठना पड़ता है मैनी पीपल इफ दे आर कुकिंग कि क्यों मेरे पास स्वेटर नहीं है मैं क्यों नहीं आ, बाहर से मंगवा सकता सो मैनी पीपल ड्राइविंग एंड दे आरिंग द ट्राफिक देखिंग आई डों नॉट है एक्शन दैट दे आर डूंग वेरी गुड पॉइंट एग्जाम्पल एक हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा रोल है फायर फाइटर्स अब आप ये देखिए उनका काम सारे समय क्या है या उसका माइंड सेट क्या है एक बार ध्यान से सोच के देखिए फायर उसके घर पे नहीं लगी है उसके कोई बच्चे बीवी पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है किसी थर्ड पर्सन के लगी है फिर भी वो इंसान आग में कूदने के लिए तैयार है दूसरों को बचाने के लिए तैयार है तो जब आप उनका भी माइंडसेट देखेंगे और उनकी एक्टिविटीज देखेंगे तो फायर लगने पे रिस्पॉन्ड नहीं करते उनकी जो ट्रेनिंग है उनकी जो स्किल्स है उनके जो इक्विपमेंट है उस स्टेज तक 100% परसेंट रेडी है अब फायर अगर बाई चांस कहीं भी लगती है अनफॉर्चुनेटली तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं राइट तो फायर लगने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप तैयार नहीं हो तो आपको पहले ही लाइफ के अंदर फायर एक तरीके से आपकी लाइफ के चैलेंजेस है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आएंगे चाहे आप छोटा बिजनेस रन कर रहे हो बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो कई बार आपको लगता है मेरी जॉब बहुत स्टेबल है और अचानक चली जाती है चाहे आप मल्टीनेशनल्स में हो या लाइफ के अंदर तो फायर एक तरीके से एक प्रॉब्लम है ठीक है उसकी ट्रेनिंग पहले से जैसे फायर फाइटर्स करते हैं वो बहुत जरूरी है तो उस माइंडसेट को आप कमांडो माइंडसेट कह सकते हो क्या बात है <laughs> वो भी एक कमांडो माइंडसेट है यस yes. मैं तो जब स्टूडेंट्स को 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हुए देखता हूँ किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए क्या कोई गारंटी है उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा लेकिन जो लोग उस स्ट्रेस के अंडर उनको भी पता है कंपटीशन कितना है उस स्ट्रेस के अंदर अपने एफर्ट को नीचे नहीं जाने देते और कोई प्रोमिस नहीं है वो भी एक कमांडो माइंड सेट है इट इज अनसर्टिन दे आर ऑपरेटिंग अंडर अनसर्टेंटी देर एडवर्सिटी इज कॉम्पिटिशन सो ट्रू। और इनफैक्ट आई नॉट डू इट तो इतनी बार वो जो आप मैसेज की बात कर रहे थे इतनी बार हमें सबकॉन्शियसली हिट किया जाता है कि बहुत जल्दी इंसान इस चीज़ पे बिलीव कर लेता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा जबकि मैं कर पाऊँगा पे बिलीव करवाना हो तो शायद किताबें पढ़नी पड़ती हैं लोग चाहिए होते हैं कुछ है चाहिए होते हैं बट आई कैन नॉट डू इट पर लोग बड़ा ईजीली बिलीव भी कर लेते हैं आपने सोशल मीडिया की जर्नी भी शुरू करी और आई थिंक रिसेंटली ही शुरू करी है मेरा जानता क्या है सिक्स मंथ्स प्लस हुए है हाँ सिक्स मंथ करीब आपने शुरू किया लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आपको सो हाउ डू यू हैंडल द क्रिटिसिजम्स बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेस है कि लोग प्यार भी बहुत देते हैं और बहुत कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो क्रिटिकल होते हैं अपने काम को लेकर के और चीज़ों को ले कर सो वेन यू गेट दैट क्रिटिसिज्म हाउ डू यू हैंडल दैट ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करेंगे एग्री करेंगे ही करेंगे ठीक है थोड़ा सा वहाँ पर बुरा तब लगता है और वो भी खुद के लिए नहीं सामने वाले के लिए तब लगता है कि अगर बहुत ही कोई पॉजिटिव चीज है आप कोई चीज इमेजिन नहीं कर पा रहे और कोई इंसान उस बात को कह रहा है तो आपका माइंड इतना क्लोज हो चुका है कि आप कहते हो ये हो ही नहीं सकता जैसे किसी ने मुझे कहा था अबे रिटायर हो जा <laughs> या रिटायर होके शांति से घर पे बैठ <laughs> <laughs> तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि ये टाइम मेरी माउंटेनियरिंग मेरी ट्रेकिंग डांसिंग जर्नल नॉलेज स्पैनिश सीखना और कई एक्टिविटीज के लिए यही सही समय है जी। तो कई बार जब लोग बहुत ही क्लोज्ड माइंड से आते हैं शायद उनको स्टार्टिंग से वही मैसेज दिया गया दूसरा सोशल मीडिया एक बहुत ही अनोनिमिटी देती है आप किसी को भी गाली निकाल सकते हैं <laughs> तो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन इंसान लेकर के कहीं ना कहीं निकाल तो फ्रस्ट्रेशन फिर हम क्या कर सकते हैं फिर उसको या तो आप जवाब ही मत दो ठीक है और कई बार अच्छे जवाब भी दे देते हैं कोई ऐसी बात नहीं हो सकता है उसी से कुछ भला हो जाए लेकिन सोशल मीडिया की जर्नी ने वाकई ही पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम और अभी तो छोटा सा ही बेस है फेसबुक इंस्टाग्राम मिला के 8 लैक्स तो मल्टीपल कंट्रीज के साथ में कनेक्ट कर दिया है क्या बात है मतलब बहुत ही पावरफुल टूल है मतलब आप इंडिया में दिल्ली में बैठे बैठे पूरे विश्व के न जाने कितने लाइक like माइंडेड लोगों के साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं इट इज असिंग आई वोटिंग इट इज अ ब्लेसिंग और बहुत एक तरीके से मैं ऑनर्ड भी फील करता हूं कि ऑनर्ड और प्रिविलेज इसलिए कि पूरे वर्ल्ड से जो रिस्पॉन्स आता है जब मैं कई बार कमेंट्स पढ़ता हूं तो ठीक है हर दस में से हो सकता है एक कमेंट या दो कमेंट एडवर्स होगा दैट इज ओके लेकिन वो आठ कमेंट्स वो आपको बताते हैं वो है क्वालिटेटिव so अपने जीवन में से एनी थ्री लेसन्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू दीपल बिगेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ नंबर वन इज डलिंग एडवर्सिटी oh. जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा अर्ली लाइफ के अंदर लूज किया था okay. तो वहां से निकलना दो तरीके हो सकते थे आपको तोड़ भी सकता था और आपको टफ भी बना सकता था तो मेरे एक्सपीरियंस जो भी मेरी पर्सनैलिटी रही होगी इट मेड मी इंटू अफर पर्सन सो कमिंग आउट ऑफ एडवर्सिटी उसने मुझे पहला लेसन यह दिया लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी कोई ना कोई चैलेंज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगा तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है क्या बात है नंबर टू जो मैंने सीखा है आपकी स्टडी फॉर्मल स्टडी या तो स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स के अंदर या अदरवाइज अपने शौक के हिसाब से हंड्रेड परसेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए ओके लर्निंग अल्टीमेटली कंटिन्यू रहनी चाहिए बिल्कुल रहनी चाहिए इट कुड बी हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस हो सकती है इट कुड बी एनी लेकिन आप कंसिस्टेंटली रीडिंग जारी रखिए वो आपको कहां पे रिवॉर्ड देगी आपको खुद नहीं पता लगेगा राइट कई कही बार कहीं और काम नहीं आई आपके बच्चों के काम में आएगी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के काम में आएगी लेकिन 100 परसेंट गारंटी दे रहा हूं वो काम आएगी ट्रू सो एजुकेशन थर्ड फिजिकल लिमिट्स को भी टेस्ट करते रहिए रीडिंग हो गया मेंटल लिमिट्स थर्ड हो गया फिजिकल लिमिट्स आप यह नहीं कह सकते कि मेरे से यह नहीं होगा या अब सीढ़ी चढ़ने में जोर आने लगा है अगर आप अपनी डाइट ठीक करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी आपको इतना रिवॉर्ड देगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते अच्छा एक रिकॉर्ड बता देता हूँ वैसे मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मैंने नहीं देखा हो भी नहीं सकता वो भी जी। लेकिन जो हम सेटअप्स कहते हैं जिसके अंदर हम बिल्कुल लेट के अपने सिर को उठा के अपने नीस पे लगाते हैं तो मैंने पर्सनली रिकॉर्डेड करके अपने यूट्यूब पे डाला है हालांकि उस पर मैं एक्टिव नहीं हूं सिक्स हंड्रेड ऑफ दम छो सेटअप लगातार विदाउट अ ब्रेक शायद इकतीस मिनट में बात? बहुत ओके एट द एज एक साल पहले की बात है 51 वन फिफ्टी की. <laughs> की एज में क्या बात है दिस इज really so, 600 और ये भी मैं आपको बता देता हूं 600 पे स्टॉप इसलिए किया था मैं बोर हो गया था <laughs> 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 यानी माइंड को फिर कुछ काम देना चाहिए था <laughs> और बड़ा टारगेट रखना चाहिए था हाउस So सो आपकी बॉडी आपको कैसे रिवॉर्ड करेगी आपको अंदाजा भी नहीं हैडल द एडवर्सिटी चैलेंज योर सेल्फ इमोशनल चैलेंज कीटिंग योर सेल्फ भी चैलेंज करते रहो क्योंकि आपकी बॉडी आपको बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड देगी ब्यूटीफुल सोनाओ विल मूव टू द रैपिड फायर आर स्टार्टिंग रैपिड फायर विद अरुण जी लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स Uh, mountains or beaches? Mountains. Coffee or tea? Coffee. Morning person or night owl? Both are equal. First thought when you wake up in the morning? Wonderful day. Happy. Your go-to stress buster? Lot of activities. One Instagram account you secretly admire? Frank Medrano. Your favorite exercise routine? Lots of them. Keeps changing. My challenges keeps me excited. The best place you've delivered a speech? Indian Institute of Foreign Trade, lot of other universities. One historical figure you would love to have a conversation with? Martin Luther King. A trek you dream of but you haven't done it. A trek to Everest Base Camp. Your personal mantra in three words. Mushkil Vakt, Commando Sakt. One, uh, one thing you wish you knew in your 20s. Importance of counseling. A trait you believe every 21st century leader should cultivate? Empathy. One daily ritual that is non negotiable for you? Uh, lots of them. From uh, workouts to reading. Your favorite diet? Egg whites and dal. Your daily exercise routine? Walks, as I mentioned, 40 minutes. Okay. Then uh, pull ups and push ups. A leader from history you would love to take on a trek. Barack Obama, <laughs> but he's not history, <laughs> right? <laughs> so if your if your life were a documentary, uh, what would be its title? The, the guy who doesn't uh, keep down. Sirunji, last and final, Jane se last message kya denge? Why, sir, mera last message hai, life ke saath, learnings ke